नमस्कार, आप देख रहे हैं चंदा टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे हैं, कल लखीमपुर खीरी भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोला गोकुलनाथ में रैली करेंगे मुख्यमंत्री, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर। 31 अक्टूबर को रैली करेंगे सीएम। हिमाचल में भी प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री, 8 और 10 नवम्बर को चुनावी सभाएं भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, कल लखीमपुर खीरी जाने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे हैं, कई जगह वो दौरे करने जा रहे हैं, साथ ही साथ हिमाचल में भी जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या कुछ अभी अपडेट आपके पास है? देखिए प्रद्युम्न, 31 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर सीट पर दौरा है, वहां के जो सभा को संबोधित करेंगे, एक रैली भी वहां पर आयोजित की गई है। निश्चित रूप से जिस तरीके से गोला गोकर्णनाथ की जो सीट भाजपा की थी, वो विधायक के निधन के बाद वो खाली हुई थी, उस पर चुनाव होने जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश के बाहर के चुनाव हो, चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के रूप में वहां पर भेजती है और उसका फायदा भी हुआ है। वो चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर तमाम राज्यों में चुनाव हुए, झारखंड की बात करें, वहां पर बीजेपी को लाभ भी मिले हैं, ज्यादा सीटें आई हैं और कोशिश बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर बीजेपी की सरकार भी बनी है। तो एक बार उत्तर प्रदेश में भी हर सीट पर मुख्यमंत्री की आवश्यकता पड़ती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश में एक हिंदुत्व का बड़ा चेहरे के रूप में भाजपा के लिए उभरे हैं, तो एक गोला गोकर्णनाथ की सीट वहां पर, हालांकि जो भाजपा की विधायक है उनके बेटे को ही टिकट मिला है, कि बड़ी सिंपैथी उनके साथ साथ है, लेकिन मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद वहां समीकरण दूसरे बन सकते हैं। इस वजह से वहां पर हालांकि समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि उस सीट को उसको सब सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हो, कोशिश करेगी कि पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के पाले में उस सीट आए, क्योंकि ये जो सीटें हैं भले ही चुनाव चुनाव हो रहा है सीटों पर, लेकिन इसका 2024 पर देखने को काफी असर मिलेगा, क्योंकि ये समीकरण जो 2024 का चुनाव आने वाला है उस पर भी कहीं न कहीं उस पर नजर रखेंगे और उस पर समीकरण भी बनेंगे, माहौल भी बनता है। तो भाजपा कोशिश कर रही है कि उसकी जो गोला गोकर्णनाथ की जो सीट है लखीमपुर खीरी की, उसके भाजपा की सीट है उसी की ही पाले में रहे, कहीं मैसेज गलत ना चला जाए। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर वहां पर पहुंच रहे हैं रैली करने के लिए। प्रद्युम्न, बिल्कुल, क्योंकि गोला गोकर्णनाथ में रैली होनी है, उसको लेकर तैयारियां भी कैसी चल रही है? देखिए वहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, प्रशासन अपनी पूरी तैयारी कर चुका है, सिक्योरिटी को लेकर भी काफी सख्त इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की जो सिक्योरिटी वो 7 लेयर में लमसम होती है, क्योंकि लगातार आपने देखा हो किस तरीके से मुख्यमंत्री को धमकी मिलती रहती थी, इसलिए सिक्योरिटी में कोई कुताही कभी मुख्यमंत्री के उसमें नहीं होती है। मुख्यमंत्री अभी अभी हाल में ही हिमाचल में भी चुनाव होने हैं, वहां पर अभी जो टाइमिंग किस दिन रैली करेंगे वो अभी फिलहाल नहीं तय हुआ है, लेकिन ये जो बिल्कुल तय हो गया है, करीब 10 के आसपास रैलियां, 10 से ज्यादा रैलियां वहां पर हिमाचल में हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई राज्यों में चुनाव हुए हैं 2019 के बाद, वहां पर चाहे बिहार का चुनाव हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर रैलियां उस प्रदेश में करते हैं, निश्चित रूप से भाजपा को लाभ होता है। तो ये एक हिंदुत्व के चेहरे में मुख्यमंत्री हैं, इनकी एक अपनी ऊर्जा है, उनकी एक अलग पहचान है और एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, अच्छे शासक के रूप में जाने जाते हैं, अच्छे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के, उस पर आपने देखा होगा किस तरीके से भी जो बैठक हुई गृह विभाग की वहां पर शामिल किए गए थे। तो ये एक बहुत बड़ी छाप है जिसको लेकर भाजपा एक बार फिर से भुनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पर जाए और अपना एक रोड मॉडल जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है वो वहां पर प्रस्तुत करेंगे, तो निश्चित रूप से वहां की जनता है वो देखेगी भी और उम्मीद भी करेगी ऐसे। जी प्रद्युम्न, बिल्कुल, लेकिन अनूप, जिस तरीके से ताबड़तोड़ दौरे यहाँ पर मुख्यमंत्री के देखने को मिल रहे हैं और चुनावी प्रचार भी है, आने वाले समय में चुनाव भी है, तो उस लिहाज से कितना ज्यादा खास ये चुनावी जो दौरे हैं ये माने जा रहे हैं? देखिए प्रद्युम्न, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है वो लगातार चुनाव की अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। 2024 का चुनाव थोड़ा सा दूरी भले ही है, लेकिन लगातार अभी से चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो नगर निकाय के चुनाव है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्लानिंग है। ठीक उसी प्रकार से जिस जिस प्रदेश में चुनाव, अभी हिमाचल की
बात कर रहे हैं सब वहां पर कंफर्म हो चुका है कब चुनाव किस तरीके से आचार संहिता लग चुकी है और सब टाइम टेबल बन चुका है। अब वहां पर चुनाव के समीकरण को देखते हुए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी तय करती है वो लोकप्रिय होना चाहिए, साथ ही साथ वहां के जाति समीकरण क्या मायने रखते हैं, तो ये सब तमाम चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मंथन करती, फिर उसके बाद अपने जो स्टार प्रचारकों को उसमें चाहे केंद्रीय नेतृत्व से स्टार प्रचारक उतारने पड़े राजनाथ सिंह को या फिर तमाम नितिन गडकरी को या खुद अगर आवश्यकता पड़ती तो प्रधानमंत्री खुद नए मैदान में उतरते हैं। तो ये एक समीकरण बना करके भारतीय जनता पार्टी पूरी प्लानिंग के तहत अपने चुनाव को लड़ती है एक युद्ध की तरीके से, उनके योद्धा अलग अलग हैं, हर उसपे जिसको कहां पर इस्तेमाल करना है ये सब चीजें जो हैं वो हालांकि केंद्रीय नेतृत्व से तय होता है और अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, तो ये इसी वजह से लगातार जो चुनावी दौरे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक अलग एक पहचान है, हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है, तो इसी वजह से मुझे लगता है हर प्रदेश में उनके चुनावी दौरे होते हैं चुनावी रैलियां होती हैं, यही वजह है कि अभी हिमाचल में भी करीब 10 से ज्यादा वहां पर रैलियां प्रस्तावित हैं, उसकी भी अभी डेट आने वाली है, कुछ डेट आने के बाद ही उसमें पता लगेगा कब किस किस दिन और किस किस जिले में चुनावी दौरे करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल सीएम योगी ताबड़तोड़ दौरे करने वाले हैं, विधानसभा सीट के लिए प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आगे बढ़ेंगे, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं बड़ी जानकारी आ रही इस वक्त की, बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, ललितपुर दौरे पर आएंगे डिप्टी सीएम, कुशवाहा समाज के कार्यक्रम में जाएंगे, समीक्षा बैठक भी करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। तो केशव प्रसाद मौर्य कुशवाहा समाज के जो कार्यक्रम है उसमें शामिल भी होंगे, उसके बाद समीक्षा बैठक भी केशव प्रसाद मौर्य करने वाले हैं। ललितपुर दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो आपको बता दें कि कुशवाहा समाज के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम जाएंगे, कई कार्यक्रम जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं, समीक्षा बैठक भी कुशवा समाज के कार्यक्रम होने के बाद समीक्षा बैठक की जाएगी और उसमें हिस्सा भी डिप्टी सीएम लेते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें ये दौरा काफी महत्वपूर्ण उनका माना जा रहा है, कुशवा समाज के कई ऐसे कार्यक्रम जिसमें डिप्टी सीएम शिरकत करेंगे और आज ललितपुर दौरे पर रहने वाले हैं डिप्टी सीएम। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिजवी बरेलवी ने आजम खान की विधायकी रद्द किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का यह निर्णय इंसाफ पर आधारित नहीं है, आवाम ने उनको चुनकर भेजा है, इसलिए आवाम ही को अधिकार यह हासिल है कि, मौलाना ने कहा कि आजम खान इस वक्त मुश्किलों में है और वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक लीडर है, अखिलेश यादव को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर मोहम्मद आजम खान साहब आजकल मुश्किलात का शिकार हैं और परेशानियों में मुब्तला हैं, इसलिए इस मुश्किल दौर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को चाहिए कि उनके साथ में खड़े हों, उनके शाना बशाना खड़े होकर के उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए दुर्भाग्य है कि आजम खान को 3 साल की सजा हुई है, उनकी विधानसभा की सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है, बाबा साहेब के द्वारा इस देश को एक संविधान दिया गया था लेकिन संविधान को तोड़ मरोड़ कर 2 कानून बना दिए गए, आरएसएस के इशारों पर काम करने वालों के बयान से दंगा हो जाए, मॉब लिंचिंग हो जाए, लोगों की हत्या हो जाए लेकिन उसके बाद भी पुलिस ऐसा काम करती है जिससे उनको सजा ना हो, इस देश में बाबा साहेब के बनाए गए कानून की धज्जियां आरएसएस के इशारों पर उड़ाई जा रही है। हेट स्पीच के मामले में भाजपा के एक नेता को सजा हुई लेकिन मात्र 150 रुपए की सजा, ये अर्थदंड केवल न्यायपालिका ने लगाया, हमारा संविधान इजाजत नहीं देता कि हम न्यायपालिका पर उंगली उठाएं, लेकिन न्यायपालिका में पुलिस की अहम पैरवी होती है, पुलिस का रिपोर्ट होती है, पुलिस की कहानी और थ्योरी मानी जाती है, साक्ष्य माने जाते हैं, तो साक्ष्य उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार अपने विरोधियों के हिसाब से गढ़ती है। जब घटना हुई थी एक भाजपा के नेता बलात्कार के आरोप में उनके ऊपर आरोप लगा,
आरोपी को दंड देने, जबकि आरोपी का वीडियो था मसाज कराते हुए, उनको न सजा देकर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करके उन्हें बल्कि पीड़िता को जेल भेज दिया गया और उन्हें थोड़े दिन बाद बाइज्जत बरी कर दिया गया और बाइज्जत बरी करने वाले जज को इनाम मिल गया। और वहीं गायत्री प्रजापति जी के मामले में कोर्ट ने और पुलिस ने जो रचा, जबकि पीड़िता चिल्लाती रही कि मुझसे करवाया गया इस तरह की बात, मुझसे कहा गया फंसाने के लिए, उल्टे पीड़िता को ही जेल भेज दिया गया। तो कुल मिला के इस देश में बाबा साहब के कानून की धज्जियां आरएसएस के इशारे पर उड़ाई जा रही हैं और इसमें न्यायपालिका, न्यायालय तो अंधा माना जाता है इसलिए उसकी आंख पे पट्टी बंधी होती है, पुलिस जो थ्योरी बनाती है, पुलिस जो साक्ष्य इकट्ठा करती है उसी हिसाब से कार्रवाई होती है। पुलिस जब FIR ही नहीं दर्ज करेगी, पुलिस जब थ्योरी ही नहीं बनाएगी, पुलिस जब साक्ष्य इकट्ठा नहीं करेगी तो सजा नहीं मिलेगा, जिससे सजा दिलानी उसमें फर्जी कहानी, फर्जी आरोप पत्र, फर्जी साक्ष्य इकट्ठा किए जाते हैं। ताजा घटना मैंने कई बार उठाया कि आगरा में बलात्कार हुआ, कई बार बयान लिया गया या CO ने बयान लिया, कोर्ट में बयान हुआ, लेकिन उसके बावजूद FIR नहीं दर्ज की गई, छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया गया, छेड़छाड़ का, उसमें भी एक दिन में जमानत दे दी गई। तो इस देश में दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को एकजुट होना पड़ेगा, उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनके जीवन में जो कष्ट है उनके, उनका निवारण केवल एक तरीके से हो सकता है, वो राजनैतिक रूप से संसद और विधानसभाओं पर एक अकेले कब्जा करें, बिना किसी सहारे के कब्जा करें, आरएसएस से दूर होकर कब्जा करें। आरएसएस के कई हाथ हैं, उनसे जब तक दूरी बनाकर स्वतंत्र रूप से कब्जा नहीं किया जाएगा तब तक इस देश में दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं मिल सकता है, उचित न्याय नहीं मिल सकता। तो वहीं दिवाली के बाद दिल्ली NCR में प्रदूषण का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली NCR के अधिकतर इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पार कर चुका है, तो वहीं कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर प्रदूषण स्तर 400 के पार है। NCR की हवा में लगातार घुल रहे प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, आंखों में जलन समेत कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वरिष्ठ चिकित्सक प्रोफेसर डॉक्टर BP त्यागी का कहना है कि मौजूदा समय में प्रदूषण के कई कारक हैं। दिल्ली NCR में वाहनों और आसपास के राज्यों में जलाई जा रही पराली, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला प्रदूषण और कंस्ट्रक्शन वर्क आदि प्रदूषण के मुख्य कारक हैं। आतिशबाजी से प्रदूषण बढ़ गया है ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रदूषण बढ़ने के पीछे कई प्रमुख कारण हैं। मौजूदा समय में हवा की सुस्त रफ्तार के चलते प्रदूषण छट नहीं रहा। और कोई स्कूल में 12 घंटे एटलीस्ट बाहर रहते हैं और कोई स्कूल में ऐसी सुविधा नहीं होती है कि वहाँ फिल्टर लगे हैं या कोई फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, या जो ऑफिसेस वगैरह हैं उनमें कुछ ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है, कोई फिल्ट्रेशन वगैरह का कोई कोई भी फैसिलिटी नहीं है, तो ऐसे में इस एज ग्रुप को ज़्यादा नुकसान होता है और उसको और ज़्यादा नुकसान होगा जिसको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि कोविड के इन्फेक्शन वजह से हमारे जो फेफड़े की झिल्ली है वो पहले ही सुखड़ी हुई है। अगर किसी को कोविड हुआ है तो उसके लिए ये और भी ज़्यादा नुकसानदायक है, यानी ये सोने पे सुहागा है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है, हिमाचल में CM धामी करेंगे रैली को संबोधित। तो आपको बता दें कि 20 अक्टूबर को करेंगे 3 रैलियों को संबोधित, चौपाल, पछाद और पावटा साहिब में ये रैलियां होने जा रही हैं। तो आपको जानकारी दे दें कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, ऐसे में तैयारियां लगातार चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हिमाचल आएंगे और रैली को संबोधित करेंगे, तो वही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अजीत कंबोज हमारे साथ जुड़ के हैं। अजीत, जिस तरीके से 20 अक्टूबर को मुख्यमंत्री रैली को संबोधित करने वाले हैं, चौपाल, पछाद और पापटा साहिब में ये रैलियां होने जा रही हैं, क्या कुछ अपडेट है इन रैलियों को लेकर? बिल्कुल प्रद्युम्न, अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची में रखा है और हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार की कमान भी संभालेंगे। इसी में जो पहला दौरा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, वो कल यानी 30 अक्टूबर को होने जा रहा है।
जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा से लगती हुई जो हिमाचल की 3 विधानसभा सीटें हैं जिसमें चौपाल, पछाड़ और पांवटा साहिब है, इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 3 बड़ी जनसभाएं होने जा रही है जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है और मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से भी संभावित कार्यक्रम यहाँ पर जारी हो चुका है। तीनों ही विधानसभा क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश के वो उत्तराखंड की सीमा से लगते हुए काफी जनाधार है उत्तराखंड की आम जनता का और हिमाचल की जनता के बीच में। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगर वहां पर जाकर जनसभाओं को संबोधित करते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा मिलने की उम्मीद है और जिस तरह से आम जनता के बीच में लोकप्रिय हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड की काफी जनता सीधे तौर पर हिमाचल की आम जनता से जुड़ी हुई है, काफी वहां पर रिश्तेदारी है, तमाम तरह का व्यापार होता है आपस में। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अगर हिमाचल का दौरा करते हैं 3 विधानसभा क्षेत्रों में और जनसभाओं को संबोधित करेंगे तो कहीं ना कहीं चुनावी प्रचार को धार मिलेगी और भाजपा भी इसको अपने पक्ष में मजबूती से देख रही है। बिल्कुल अजीत, क्योंकि जिस तरीके से आने वाले समय में चुनाव हैं और चुनाव काफी महत्वपूर्ण भी माने जा रहे हैं, चाहे उत्तराखंड की बात कर लें या हिमाचल की बात कर लें, रिवाज बदलने की बात लगातार की जा रही है, ऐसे में ये जो उनकी रैली होने जा रही है कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और अगर उन क्षेत्रों की बात करते हैं तो कितनी संख्या में लोग रैलियों में जुटेंगे? बिल्कुल, अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो उत्तराखंड का चुनाव हमने देखा है 6 महीने पहले और भाजपा ने यहाँ पर मजबूत बढ़त बनाते हुए रोल बैक किया है। तो ऐसे में सीधे तौर पर एक कमबैक वाली स्थिति हिमाचल को देखकर भी भाजपा लगा रही है। हिमाचल में मौजूदा सरकार बीजेपी की है और वहां भी कोशिश होगी कि एक कमबैक वाली स्थिति हिमाचल के आम चुनाव में भी पड़े। तो ऐसे में जितने भी विधानसभा क्षेत्र जहां पर जिस व्यक्ति का वहां पर मजबूत जनाधार हो सकता है उनको स्टार प्रचारकों की भूमिका दी गई है और ये 3 विधानसभा क्षेत्र है चौपाल, पांवटा साहिब और पछाड़। ये तीनों ही विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड की सीमा से लगते हुए विधानसभा क्षेत्र है, राजधानी देहरादून का बॉर्डर इनसे छूता है। तो ऐसे में कोशिश है भाजपा की कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर जनसंपर्क करें। इसी कड़ी में कल 30 अक्टूबर को 3 बड़ी जनसभाएं यहाँ पर आयोजित होने जा रही है, मुख्यमंत्री खुद कमान संभाले चुनाव प्रचार करेंगे और जिस तरह के जनसंपर्क वहां पर चल रहे हैं और लोगों से जो बातचीत हो रही बातें निकलकर सामने आई, लोगों में काफी उत्साह है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर। लगातार जो उत्तराखंड में उनके बड़े फैसले रहे हैं वो कहीं ना कहीं आम जनता के बीच हिमाचल में भी पहुंचे हैं। हिमाचल की जनता भी भ्रष्टाचार को लेकर तमाम तरह की बातें करते रही है तो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार हो या फिर करा एक्शन हो, इस तरह तमाम तरह की बातें हिमाचल चुनाव में भी उठ रही हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो हालिया फैसले रहे पिछले 6 महीने वो कहने गए मुद्दों इन चुनाव में भी उतरेंगे और सीधे तौर पर आम जनता के बीच कोशिश होगी भाजपा की कि इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचाया जाए कि भाजपा सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने में विश्वास रखती है। इन तमाम विषयों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को 3 रैलियों को संबोधित भी किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। देहरादून से ही एक और बड़ी जानकारी आ रही है, नशा मुक्ति उत्तराखंड के लिए कल दौड़ेंगे 15,000 लोग। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, पुलिस लाइन से होगा मैराथन का आगाज, 15 देशों के 112 से ज्यादा धावक इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। खिलाड़ियों को सीएम धामी करेंगे रवाना, मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा, विजेताओं को लाखों रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, यहाँ पर आपको बता दें कि विजेताओं को मिलेगा लाखों रुपए का पुरस्कार। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी है, नशा मुक्ति यूपी के लिए 15,000 धावक दौड़ने वाले हैं। पुलिस लाइन से इस मैराथन का आगाज कल हो जाएगा, तो 15 देशों के 112 से ज्यादा धावक इसमें दौड़ने वाले हैं। बता दें कि खिलाड़ियों को सीएम धामी ही रवाना करेंगे। तो आपको बता दें कि हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित गृह मंत्रियों के सम्मेलन के दूसरे दिन उत्तराखंड ने आईटी एक्ट में बदलाव को लेकर आवाज उठाई है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। बता दें कि 2 दिवसीय चिंतन शिविर के दूसरे दिन गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के मुद्दे पर उत्तराखंड सहित 4 राज्यों का प्रशस्तिकरण का मौका दिया था। उत्तराखंड से डीजीपी अशोक कुमार ने साइबर अपराधियों की रोकथाम के लिए प्रदेश की पुलिस के प्रयासों की जानकारी दी। डीजीपी ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस की सक्रियता के चलते वर्ष 2021 के पावर बैंक घोटाला और वर्ष 2022 में फर्जी चाइनीज वेबसाइट घोटाले के तहत देश भर में चल रही ठगी का खुलासा हुआ है। डीजीपी कुमार ने बताया कि उत्तराखंड के साइबर थाने में 0 FIR दर्ज की जा रही है। थानों में दीवारों पर साइबर जागरूकता के संदेश और बुलेटिन लगाए गए हैं। उन्होंने साइबर अपराधियों पर नियंत्रण पाने के लिए उनकी विवेचना का अधिकार उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को देने की पैरवी की है। साथ ही उन्होंने आईटी एक्ट कानून को मजबूत करते हुए सजा का सख्त प्रावधान करने और मजबूत कानून बनाने की बात की है। आपको बता दें उन्होंने कई सुझाव भी साझा किए।
तो फिलहाल आपको बता दें कि एक्ट में बदलाव को लेकर आवाज यहां पर उठाई गई है। सीएम धामी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। यूके ने आईटी एक्ट को बदलाव लाने की बातचीत यहां पर सामने रखी है। आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी कर रहे हैं बड़ी बैठक। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी बैठक कर रहे हैं, छठ पूजा को लेकर ये बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में कई अधिकारी शामिल है। तो छठ पूजा को लेकर ये बड़ी बैठक का आयोजन हो रहा है। बैठक में ले रहे हैं व्यवस्थाओं की जानकारी। तो सीएम आवास पर यह बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री योगी बड़ी बैठक कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।